कम से कम 100 हाउसिंग स्पेस स्वैग कर दिया होगा भाई अपन ने इस बेस के ऊपर। भाई ट्रूप स्वैग हो पाएंगे क्या इतने सारे? जब से सुपरसेल ने बोला है वो लोग फ्यूचर में और हीरोज ऐड करेंगे, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी अपन लोग सिर्फ आज हीरोज के साथ ही ट्रिपल मारेंगे, थोड़े वॉर ड्रॉप्स यूज कर लेंगे, लेकिन मेन फोकस पूरा हीरोज के ऊपर ही रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ हीरोज के साथ ही अपन लोग ट्रिपल मारें, ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स, कम से कम 100, 150, 200 हाउसिंग स्पेस के ट्रूप्स स्वैग करें। तो मेरे भाई हमारी मैच लगी यहाँ पे, पता नहीं भाई क्लैन का नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत खतरनाक नाम है। और हमारी स्ट्रीक देखो भाई 66 पे भाई अटकी पड़ी है पिछले 4 दिन से। ये ड्रॉ हुई है, ये भी ड्रॉ हुई है, भाई मूड खराब हो गया। भाई नीचे भी देखो ड्रॉ ड्रॉ, वो तो भाई ठीक है, ड्रॉ होने पे स्ट्रीक अभी टूटती नहीं है, वरना तो भाई अब तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ग्रे कलर का ही वॉरलॉग बनेगा हमारा। फिलहाल तो भाई डायरेक्ट नंबर 1 पे चलते हैं अटैक के लिए। और भाई ये वाली आर्मी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे बुड्ढे के ऊपर फायरबॉल। स्टार्टिंग में भाई मैं यहाँ पे ना बुड्ढा चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया भाई। अब मेरे को फायरबॉल के साथ वैल्यू निकालनी है और बुड्ढे को जिंदा रखना है एंड तक, चाहे कुछ हो जाए। लो भाई कर लो बात, ट्रोल टेस्ट लाज रखे भाई बंदे ने, और उसको पता ये नहीं है कि मेरे पास रॉकेट लून्स है। चलो भाई बस बुड्ढा ना यहाँ से मल्टी आर्चर टावर तक की वैल्यू निकाल दे, फिर मैं गिरा दूंगा अपना फायरबॉल। देखो जितने भी स्पेल्स अभी मेरे पास बचे हैं सारे के सारे स्पेल्स मुझे इस्तेमाल करने अपने बुड्ढे के ऊपर। एक काम करता हूँ, इसको डाउन करता हूँ 3 रॉकेट लून्स के साथ। ओके अब एक रेज लगा देते हैं क्योंकि बुड्ढे के ऊपर बढ़ गया डैमेज, लेट्स गो। चलो 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 बुड्ढे कर ले भाई काम, ये लो भाई डाल दिया। ओके बढ़िया भाई, बढ़िया वैल्यू मिल गई। चलो बुड्ढा ईगल की साइड पे आ रहा है, इससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती। पर यार अभी यहाँ पे ना मोनोलिथ है, तो मोनोलिथ से भाई थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा अपने को। तो रेड स्पेल भी लगा देते हैं भाई ताकि हिलर जिंदा रखे बुड्ढे को। ओके भाई वक्त जा रहा है राइट, अरे बाप रे सुपर ड्रैगन काहे रखे हैं भाई ये लोग सीसी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हीरोज अपन लोग यहाँ से चालू करते हैं, चलो ठीक है। चलो भाई हीरोज यहाँ से अंदर की साइड पे चले जाएंगे, बस बुड्ढा टेक डाउन कर ले मोनोलिथ को यहाँ पे, बढ़िया तो जा रहा है भाई अटैक हमारा। चलो बुड्ढा टेक डाउन कर लेगा वहाँ से मोनोलिथ को, यहाँ से 2 हेड हंटर ओपोनेंट किंग के लिए। भाई मेरे किंग को पकड़ लिया, ऐसे कैसे पकड़ेगा भाई, तेरे को फ्रीज कर देता हूँ। चलो भाई ठीक है भाई, किंग का फुटबॉल टाउन हॉल को लगा नहीं यार। देखो भाई बुड्ढे ने कितनी वैल्यू निकाल के दी है अपने को, क्वीन निकाल देगी यहाँ से वैल्यू, रॉयल चैंपियन अभी यहाँ से वैल्यू निकाल के देने का काम करेगी। चलो अब मैं कोशिश ये करूँगा जितने भी ट्रूप्स बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स स्वैग करूँ, ठीक है। अभी तो भाई आज जितने भी अटैक्स बचे हैं ना सारे के सारे भाई इसी आर्मी के साथ करूँगा, जिससे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्वैग मार सकूँ। ओ भाई बचा लिया रॉयल चैंपियन को, वरना अभी सीन होने वाला था भाई। वक्त 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 तो नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं बचा हुआ है, टाइम फेल तो नहीं होगा स्वैग के चक्कर में? ऐसे कैसे स्वैग के चक्कर में टाइम फेल होने दूंगा भाई। बुड्ढे को भाई एकदम स्टार्टिंग में डाला था, अभी तक जिंदा बचा हुआ है। एक काम करता हूँ भाई, ये सारे के सारे ट्रूप्स डाल ही देता हूँ, खामगा मसला हो जाएगा, मेरी आर्मी खराब हो जाएगी पीछे वाली। फिलहाल नंबर 1 का बेस तो दोस्तों अपन लोगों ने उड़ा दिया है और स्कोर हो चुका है हमारा 107 स्टार या 110। ये लो भाई 3 ऐड हो गए, 110 हो गया। चलिए दोस्तों अगले अटैक के लिए चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ऑलरेडी भाई एक अटैक हो चुका है 97% बूस्टर, तो फिर मैं ये 1 स्टार के लिए ही जा रहा हूँ। यहाँ पे भाई थोड़ा रिस्क तो लेने वाला हूँ भाई मैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, स्वैग भी अपने को करना है, रिस्क भी लेना है। अगर ज्यादा रिस्क पड़ गया तो स्वैग नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई साहब, चलो बढ़िया बढ़िया वैल्यू मिल गई भाई अपने को, टाउनल की हेल्थ भी कम हो गई है, सीसी भी अपने को मिल चुका है। ओके 2 रॉकेट लून डालता हूँ, लो भाई कर लो बात। चलो सीकिंग एयर माइंस भी ट्रिगर हो चुके हैं, अब हेड हंटर भाई हाथ में रखना है जिससे कि भाई जल्दी डाउन हो जाए। वेरी नाइस, टाउनल को डाउन कर ले बुड्ढे। भाई बुड्ढा हरामी भाई फंस गया यार, कर ले भाई बुड्ढे, अब इन भी डालना पड़ेगा, मर जाएगा भाई काम का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे हेड हंटर भी लगा देता हूँ भाई, मर गई भाई रॉयल चैंपियन। चलो भाई बुड्ढे ने बढ़िया काम कर लिया यार, बुड्ढे का फायरबॉल ने यहाँ पे देख के मजा आ गया। ओके यहाँ पे एक स्केलेटन डाल देता हूँ, अबे गलत डाल दिया यार मल्टी के सामने, लोल कोई सीन नहीं है। यहाँ पे ये डाल के वॉल ब्रेकर दे दूंगा। ओके
यहाँ पे यार वैलकरी देता हूँ जिससे ये भाई फनल बन जाए। यहाँ पे किंगवा का एबिलिटी दबाना पड़ेगा भाई, ज़रूरत थी भाई, मोनलिथ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। ओके एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रेज लगाता हूँ, एक फ्रीज लगाता हूँ, रॉकेट लून्स लगाते हैं। चलो भाई बढ़िया जा रहा है अभी तक तो, क्वीन और बुड्ढा अभी तक जिंदा है भाई। इस आर्मी का मकसद ही यही है कि भाई बुड्ढे को जिंदा रखना है, मकसद भूलना नहीं है भाई, अपने को मरवाना किसी को नहीं है, जिंदा रखना है भाई, अपना मकसद अलग है। चलो 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 भाई साहब, अब रॉयल चैंपियन यहाँ से डाल के ना एबिलिटी देनी पड़ेगी जिससे कि भाई ये जो ईगल वाला कोर है ना ये ख़त्म हो जाए, दूर से ही ख़त्म करे भाई रॉयल चैंपियन, कर तो रही है दूर से ख़त्म। ओके चलो भाई बढ़िया, ये भी निपट चुका है दोस्तों अटैक हमारा, लेकिन ट्रुप्स भाई उतने नहीं बचे यार अपने पास जितने भाई अपने को बचाने थे। वक्त तो भाई बीता जा रहा है वक्त भाई साहब, स्वैग करूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। मुझे लग रहा है दोस्तों मेरे को मजबूरी में डालना पड़ जाएगा, यहाँ पे ट्रुप्स को डालना तो पड़ेगा भाई, खामखा मतलब स्वैग के चक्कर में अपन लोग अटैक फेल तो नहीं ना कर सकते। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे थोड़े से कम ट्रुप्स स्वैग हुए हैं पर ठीक है भाई, अब अगले अटैक में देखेंगे अपन लोग और कितने ट्रुप्स स्वैग मार पाते हैं भाई। अभी तो भाई बहुत सारे अटैक्स बचे भाई मेरे, इसी आर्मी के साथ फायर बॉल के साथ स्वैग मारेंगे। फिलहाल स्कोर देख लो भाई, 111 स्टार हो जाता है। ये है भाई नंबर 6 का बेस, मेरे को वैल्यू देखो कोर में कितनी बढ़िया लग रही है भाई। पर यहाँ पे ना यार मैं ना थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्की अटैक करूँ, ये जो रॉकेट बलून जो अपन लोग हर बार स्वैग करते हैं यहाँ पे इस बार पहली बार में ही इस्तेमाल कर लूँ, क्या बोलते हो? तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो देखो भाई मैं एक काम करता हूँ, बुड्ढे के साथ यहाँ पे बुड्ढा चार्ज करता हूँ ठीक है, उसके बाद रॉकेट लून्स के साथ, अरे 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 अरे, अरे देवा ठीक है कोई मसला नहीं है, रॉकेट लून के साथ यहाँ से वैल्यू निकालूंगा साइड की, दोनों साइड पे रॉकेट लून से वैल्यू निकालूंगा, फिर कोर में जाएगा भाई साहब डायरेक्ट रिचपेल टावर के ऊपर मेरा फायरबॉल, ये मेरा प्लान है। देखते मेरा प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है या फिर फेल होता है। ईगल तो भाई फ्री फंड में मिल गया अपने को, बंदे ने भारी रखा हुआ यार ईगल आर्टलरी। चलो भाई बढ़िया जा रहा है यार अटैक अभी तक तो हमारा, जैसी वैल्यू चाहिए थी वैसी तो वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, थोड़े ज़्यादा रॉकेट लून्स डाल दिए भाई। ओके यहाँ पे मेरे को ना रेज लगाना पड़ जाएगा भाई। चलो अबे यार थोड़ा सा गलत हो गया फायरबॉल, पर चलो जो जो वैल्यू मेरे को चाहिए थी वो सारी वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। फ्लिंगर यहाँ से डाल देता हूँ, फ्लिंगर भाई रिकोशो कैनन को मार देगा। ओके भाई बुड्ढा टाउन हॉल तक जाएगा क्या यहाँ से, क्या लग रहा है दोस्तों आपको? भाई प्लीज टाउन हॉल तक चला जा भाई, मजा आ जाएगा यार भाई, 50% की वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट निकाल ही दी है, पर भाई ढेर सारे रॉकेट लोन्स भी तो लग गए अपने, कितने सारे के सारे रॉकेट लोन्स मतलब 160 हाउसिंग स्पेस ऑलमोस्ट लगा दिया है अपन ने यहाँ पे। अबे यार यहाँ कहाँ आ रहा है भाई बुड्ढे, वक्त जा रहा है भाई मेरा, वॉल ब्रेक देख के ना यहाँ पे हीरोज को लगा देता हूँ ठीक है भाई। अरे 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 नहीं 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 नहीं, बुड्ढा मरने वाला था भाई, बचा लिया जैसे तैसे करके, बस बुड्ढा टाउन हॉल निकाल दे भाई। देख रहे हो बुड्ढे को डाला कहाँ था, गया कहाँ था क्या भाई, ये बुड्ढा पागल हो गया है भाई पूरा, कुछ भी कर रहा है। अबे भाई क्या कर रहा है बुड्ढे, बस कर ले भाई। भाई साहब तीन तीन हीरोज है भाई ओपोनेंट के यहाँ पे, मेरे को ना यहाँ पे पॉइजन डालना ही पड़ेगा भाई, एक फ्रीज भी लगा के एक स्केलेटन स्पेल लगा देता हूँ। ओके रॉयल चैंपियन डालने का ज़रूरत है क्या? रॉयल चैंपियन मेरे हिसाब से स्वैग हो जाएगी, होल्ड करता हूँ भाई। देखो मेरे पास बुड्ढा फुल हेल्थ के साथ जिंदा है, क्वीन फुल हेल्थ के साथ जिंदा है, बाबरी रियन किंग, चलो एबिलिटी बची है मेरे पास भाई, ये वाला बेस हो गया ख़त्म जहाँ पे अपन लोगों ने रॉयल चैंपियन को दिया है स्वैग। भाई बढ़िया आर्मी है यार, क्या तो काम कर रही है भाई ये आर्मी, भाई आप भी इस्तेमाल करो अगर आपके पास फायरबॉल है तो। अपन ने तो दोस्तों कर दिया, ये कहाँ जा रहा है भाई, अच्छा बच गए भाई साहब, मुझे लगा मसला हो गया।
ये वाला टैंक भी दोस्तों हम लोगों ने कर दिया है 3 स्टार और स्कोर हो जाता है हमारा 117 स्टार्स। आओ भाई अगला अटैक करते हैं नंबर 7 के ऊपर। यहां पे भी दोस्तों आर्मी तो देखो भाई सेम ही रहने वाली, आर्मी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। यहां पे स्टार्टिंग में ना मेरे को डिप्लॉय करना है एक आर्चर और फ्लिंगर और एक ही रॉकेट लोन डालूंगा इसके ऊपर, ठीक है। और बुड्ढे को डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके चलो बढ़िया है, यहाँ पे टेस्ला फार्म निकल चुका है, पर दो ही टेस्लास निकले और चेक करते हैं भाई टेस्लास, नहीं और टेस्लास, ठीक है। यहाँ पे एक आर्चर डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे को रेज लगाना पड़ेगा क्योंकि अचानक डैमेज बढ़ जाएगा। लो भाई एक और टेस्ला निकल गया, सीसी के ट्रूप्स भी आ चुके हैं, पॉइजन डाल के फायर बॉल और दो अर्थक्वेक। चलो भाई बढ़िया वैल्यू मिल गई अपने को, फ्लिंगर यहाँ से काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाल के देगा अभी मेरे को, बस बुढ़ा अच्छा काम करे और यहाँ से जितनी भी वैल्यू रखी गई है भाई सारी वैल्यू निकाल के दे दे, मज़ा आ जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई इस बेस के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा अपन लोग स्वैग कर सकते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा ना स्प्रेड बेस है, समझ रहे हो, और ज़्यादा डैमेज एक साथ नहीं आएगा कभी भी बुढ़े के ऊपर। ओके चलो भाई यहाँ पे बस रिकशे कैनन से बचाना है मेरे को बुढ़े को, बाकी तो भाई फ्लिंगर नीचे काम कर ही रहा है अपना। सोच रहा हीरो उसको टाउन हॉल से ही चला दूँ, वही सही रहेगा फिलहाल। यहाँ पे बुढ़े को बचाना है अपने को इनवी के साथ, रेज तो नहीं लगा रहा भाई, दो रेज ऑलरेडी अपन ने लगा दिए हैं। ओके चलो भाई साहब ठीक है, फ्लिंगर फट गया अपना, बुड्ढा तो जिंदा ही है भाई अभी तक। 50% वैल्यू निकाल दी दोस्तों हम लोगों ने बुड्ढे के साथ और फ्लिंगर के साथ। अभी भाई एक काम करते हैं, हीरोज़ को टाउन हॉल में लेके जाते हैं। चल किंग आजा भाई इस साइड पे, वेरी नाइस इसी साइड पे आ रहा है, मज़ा आ गया। चलो एक बार अंदर की साइड पे घुस जाए किंग, मज़ा आ जाएगा। रॉयल चैम्पियन ईगल और स्कैटर निकाल दियो बहन, यहाँ पे रेज लगा देता हूँ बुड्ढे पे, डैमेज तो हो रहा है भाई बुड्ढे के ऊपर काफ़ी। यहाँ पे एक रॉकेट लून और एक वैलकरी, भाई रॉयल चैम्पियन बढ़िया काम कर रही है। चलो स्केलेटन स्पेल्स डिस्ट्रैक्टेड रखो भाई सबको, भाई मुझे लग रहा है कि ये सारे ड्रुप स्वैग हो गए भाई, कितने ड्रुप स्वैग कर दिए भाई अपन ने, स्पेल्स भी 2 स्वैग हो गए अपने और ट्रुप्स इतने सारे, भाई कितने ट्रुप्स का तो स्वैग हो गया भाई। ये 2 और 8 10 हाउसिंग स्पेस और ये 17 कितना हो गया भाई, कम से कम 100 हाउसिंग स्पेस स्वैग कर दिया होगा भाई अपन ने इस बेस के ऊपर, कितना है भाई टोटल, जितना भी हो भाई मजा आ गया। आ जाओ दोस्तों नंबर 8 पे भी चलते हैं अटैक के लिए, बंदे का भाई सब कुछ मैक्स है वॉल्स को छोड़ के। चलो घुसते भाई, अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं एक रॉकेट लून के साथ टेस्ट करूंगा और डाल दूंगा फ्लिंगर, फ्लिंगर निकाल के देगा पूरे कंपार्टमेंट की वैल्यू, और बुड्ढे को भाई इधर से ही चालू करूंगा। अब बुड्ढे के साथ मेरे को कोर चाहिए जहाँ पे रखा हुआ है मोनोलिथ, अब देखते हैं भाई मोनोलिथ मिलता है कि नहीं मिलता है मेरे को, बहुत लंबा चार्ज करना है बुड्ढे के साथ, हो सकता है कि टाइम फेल तो भाई होने नहीं दूंगा, आर्मी बहुत सारी मेरे पास, स्वैग भले ही नहीं करूंगा पर टाइम फेल नहीं होने दूंगा। और इस वाले अकाउंट पे मेरे पास एंग्री जेली लगाना मैं भूल गया बुड्ढे के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, एंग्री जेली लगाता तो काम और तेज़ी से हो जाता, पर चलो कोई मसला नहीं है। अब देखो भाई धीरे धीरे बुड्ढे के ऊपर पूरा फोकस रखना है, फ्लिंगर के ऊपर से ध्यान हटा दो भाई, पूरा फोकस अभी बुड्ढे के ऊपर रखना है क्योंकि बुड्ढे के ऊपर कभी भी डैमेज बढ़ सकता है, यहाँ पे मोनोलिथ है, पॉइजन है और ओपोनेंट की क्वीन भी है, तो फुल फोकस बुड्ढे के ऊपर, जितनी स्पेलें लग जाए लगाओ चुपचाप और बचाओ बुड्ढे को। अरे यार गलती से 2 रेड स्पेल डाल दिया दोस्तों, थोड़ा गलत टैप हो गया भाई। ओके चल बुड्ढे ख़त्म करते भाई, एक काम करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे ना 2 रॉकेट लून्स लगा के मिनियन लगाना पड़ेगा, जिससे कि भाई अपने को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। चलो भाई मिल गई बढ़िया वैल्यू, बुड्ढे ख़त्म कर भाई किंग को, कितना तो टाइम लगाएगा भाई। वॉल ब्रेक दे देता हूँ, होपफुली अभी मेरे हीरोज ना टाउन हॉल में जाके पूरा टाउन हॉल कंपार्टमेंट निकाल ले किंग और क्वीन, बुड्ढा तो काम कर ही रहा है ना यहाँ से। ओके इनवी फायरबॉल और अर्थक्वेक,
चलो भाई मिल चुका है कोर अपने को, बुड्ढा जिंदा भी बच चुका है। ओके एक फ्रीज लगा देता हूँ और सीसी के ट्रुप्स पे पॉइजन आ जाएगा। एक रेज बुड्ढे के ऊपर, भाई साहब ये तो अलग ही सीन हो गया भाई, यहाँ पे नहीं हो पाएगा भाई स्वैग। भाई भले ही बेस दिखने में नूब बेस दिख रहा था पर अरे 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 अरे, अरे यहाँ पे भाई वो गलत एबिलिटी इस्तेमाल कर ली, मेरे को वो यूज़ करना था यार यहाँ पे, वो भाला रॉयल चैम्पियन का, मुझे लगा भाला लगा हुआ है पर ये तो कुछ और ही एबिलिटी लगी हुई है। और रॉयल चैम्पियन मर भी गई भाई, मेरी डालते ही मर गई भाई, हद है। कर पाएंगे स्वैग बचे हुए ट्रुप्स का? आई थिंक हो जाएगा भाई, स्वैग हो जाएगा बचे हुए ट्रुप्स का। हो गया भाई, बुड्ढा देखो भाई हर अटैक में जिंदा बच रहा है भाई, यही तो मोटिव है भाई हमारा, बुड्ढे को जिंदा बचाओ लास्ट तक, अटैक ट्रिपल। आ जाओ दोस्तों नंबर 9 पे अटैक करते हैं, और ये नंबर 9 का क्या बेस है भाई, अजीब बेस है भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। देखो आर्मी तो अपनी वही रहने वाली है, आर्मी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। अब एक ही आर्मी के साथ भाई सारे बेस कैसे अपन लोग ट्रिपल मारेंगे, देखते भाई। ये आर्मी है ही भाई इतनी खतरनाक, अब क्या ही बोले, जितना कॉर्नर में हो सकता है उतना कॉर्नर बढ़ा लो, ठीक है। अब बुड्ढे का डाल दो भाई यहाँ पे ऊपर की साइड पे। अब मेरे को बुड्ढे के फायर बॉल के साथ मोनोलिथ और सीसी निकालनी है, बट सीसी का ट्रुप तो बाहर आ गया भाई, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। चलो भाई फायरबॉल ने बढ़िया वैल्यू निकाल के दे दी, मजा आ गया। अब बुड्ढा टेक डाउन कर लेगा आराम से सुपर ड्रैगन को सीसी के। आई थिंक इन लोगों ने सुपर ड्रैगन इसलिए रखा है क्योंकि इनको लगा लावलून अटैक करेंगे हम लोग, बट वो तो कर ही नहीं रहे। चलो फ्लिंगर ईगल निकालने का काम कर देगा यहाँ से। ओके बुड्ढा यहाँ से टाउन हॉल पे अगर आ जाता है ना भाई मजा ही आ जाएगा यार। चल फ्लिंगर जल्दी से ईगल डाउन कर ले यार, कमऑन बुड्ढे कमऑन भाई। देखो बुड्ढे के ऊपर अभी तो कोई डैमेज नहीं है पर अचानक ना डैमेज बढ़ के अचानक में भयानक हो सकता है यहाँ पे कुछ भी। चलो चलो टाउन हॉल की तरफ आ जाइयो बुड्ढे, टाउन हॉल पे आ जा मेरे भाई, टाउन हॉल प्लीज, वेरी नाइस, टाउन हॉल की तरफ बढ़ तो रहा है। ओके अरे 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 टाउन हॉल ईगल भी मिल जाएगा भाई, बढ़िया। अरे भाई एक हिलर डाउन हो गई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो भाई एक रेज लगा देते हैं, ठीक है। बुड्ढा टाउन हॉल निकाल रहा है यहाँ से, निकाल देगा भाई, और ईगल मिल चुका है अपने को ऑलरेडी। एक काम करते हैं यहाँ पे ना मैं फनल बना लेता हूँ और यहाँ से हीरोज को अंदर की साइड पे लेके जाऊँगा। चलो भाई बढ़िया। अबे यार बुड्ढा मर कैसे गया, बुड्ढे के ऊपर ध्यान क्या नहीं रखा अपन ने भाई, बुड्ढा मर ही गया भाई, सिंगल इन्फिर्नो था शायद उसी ने मारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भाई अपनी हीलर शिफ्ट हो चुकी है आर्मी के ऊपर, आर्मी मतलब दूसरे हीरोज के ऊपर। ओके यहाँ पे एक फ्रीज लगा देता हूँ, बढ़िया। रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी निकाल देंगे ना, रॉयल चैम्पियन पूरा कंपार्टमेंट निकाल देना बहन, काम तो ये बुड्ढे का था पर बुड्ढे में ध्यान नहीं दिया मैंने, तो भाई अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा भाई अपने को यहाँ पे रॉयल चैम्पियन को डिप्लॉय। चलो भाई क्वीन की एबिलिटी बची है, क्वीन वा का एबिलिटी दबा दूँ, चलो दबाई देते भाई, तीन हीलर्स और निकल गई। और ये बचे हुए ट्रुप स्वैग नहीं करेंगे भाई, मूड खराब हो गया इस बेस ने, मूड ही खराब कर दिया बुड्ढा मार के मेरा। फिलहाल तो स्कोर देख लो भाई हमारा हो जाता है 123 और 4326 स्टार। फिलहाल भाई हम लोग अटैक करने वाले हैं इस नंबर 10 के ऊपर, और आर्मी तो देखो वही रहने वाली है अपनी, ये वाला काफी कॉम्पैक्ट बेस है, ठीक है। खुले बेस के ऊपर तो भाई अपन ने काफी सारे ट्रुप स्वैग मार दिए थे, राइट। एक खुला बेस याद है ना आपको, अभी जहां पे अपन ने ऑलमोस्ट 17 रॉकेट लोन्स के आसपास कुछ स्वैग मार दिया था। यहां पे देखते हैं भाई ये कॉम्पैक्ट बेस के ऊपर अपन लोग कितना स्वैग दे सकते हैं। चलो भाई इस बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई एंग्री फिश बुड्ढे के ऊपर, एंग्री जेली। ओके चलो भाई रेज ऑलरेडी यहाँ पे इसीलिए डाला है ताकि ये जो क्वीन है ना ये बुड्ढे को दिक्कत ना दे। चलो भाई ख़त्म कर दिया, वेरी नाइस जॉब। सीसी ल्यूर हो ही गई भाई, लग ही रहा था कि यार ल्यूर होने वाली है, ल्यूर हो ही गई। चलो 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 भाई ओके
कम ऑन। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी इनविट डाल के और अर्थक्वेक, बूम, बढ़िया वैल्यू मिल गई भाई अपने को। ठीक है, एक पूरा बड़ा कंपार्टमेंट अपन ने बुड्ढे के फायरबॉल के साथ डाउन कर लिया। अब बस मोनोलिथ का खौफ है मेरे को यहाँ से। टाउन हॉल तो भाई क्वीन के साथ निकलेगा, नो डाउट। ये लो बुड्ढे के ऊपर लॉक हो गया, रेज लगा देंगे भाई, बुड्ढा निकाल देगा यहाँ से। एक काम करता हूँ, एस बी ऊपर की साइड पर डाल के क्वीन को यहाँ से चलाता हूँ, ठीक है, और किंग को ना यहाँ से नीचे से चलाता हूँ। चार तरफ से अटैक हो रहा है, एक तरफ से वार्डन, एक तरफ से क्वीन, एक तरफ से एस बी, एक तरफ से किंग। बेस को चारों ओर से घेर लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पे। ओके, एक स्केलेटन कितना बचाएगा भाई क्वीन को, एक स्केलेटन स्पेल। रेज लगाना पड़ने वाला है भाई मेरे को क्वीन के ऊपर, ठीक है। चलो भाई, एक ही घोड़ा है जो क्वीन को हील कर रहा है और काफ़ी अच्छा हील कर रहा है भाई, मज़ा आ गया। अब यहाँ पे मेरे को ना एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी भाई क्वीन की, ठीक है। बुड्ढा अभी भी ज़िंदा है, किंग भी हमारा अभी भी ज़िंदा बचा हुआ है, बढ़िया जा रहा है भाई अटैक अभी तक तो। ओके, यहाँ पे ना दो हेड हंटर लगाता हूँ अपोनेंट किंग के ऊपर, और यहाँ पे एक फ्रीज। मर गई भाई, उम्मीद तो नहीं थी मरेगी पर मर गई। अब रॉयल चैंपियन तुम ही निकाल सकती हो बहन, प्लीज़ निकाल के दियो ये सारी वैल्यू मेरे को। ओके, वॉल ब्रेकर लगा देता हूँ, एक और वॉल ब्रेकर। रॉयल चैंपियन प्लीज मेरे को वैल्यू निकाल के दे बहन, प्लीज लेट्स गो। किंगवा का एबिलिटी बचाए भाई टाइम। भाई ट्रूप स्वैग हो पाएंगे क्या इतने सारे भाई? ये कम से कम 200 हाउसिंग स्पेस के ट्रूप से, ओ भाई साहब हो गए स्वैग सारे के सारे ट्रूप। अब भाई करते हैं आखिरी अटैक इस मैच का, जो कि होने वाला है नंबर 15 के ऊपर, एक्वामैन। आर्मी देखो सेम, नो चेंजेस, लेट्स गो। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे फ्लिंगर सिलेक्ट करके रॉकेट लून्स के साथ ये वैल्यू डाउन करके फ्लिंगर को उतार दूंगा यहाँ से, ठीक है। फ्लिंगर निकाल के दे देगा, अभी ये डाल देता हूँ भाई, बढ़िया ठीक है। हेड हंटर भी लगा देते हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, एक इनवी लगा के अर्थक्वेक, आई मीन अर्थक्वेक बोल रहा हूँ, फायरबॉल, एक और इनवी लगा देता हूँ ताकि बुढ़ा मरे ना भाई। चलो मजा आ गया। ओके, अबे यार हीलर्स टारगेट हो गए भाई, ईगल ने हीलर्स को टारगेट कर लिया, हद है भाई। चलो बुढ़े को टारगेट कर रहे, मजा आ गया। फ्लिंगर तो भाई देखो कितनी वैल्यू निकाल के देने वाला है अभी अपने को यहाँ से, मल्टी भी निकाल के दे देगा, वाह बढ़िया भाई, फ्लिंगर मस्त काम कर रहा है। ओके, अब तो लग रहा है कि भाई बुड्ढा ही निकाल देगा पूरा बेस, देख के तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को। बुड्ढे के ऊपर भी भाई अपने को ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ईगल के शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओपोनेंट का स्कैटर शॉट है, आरसी है, सीसी ल्यूर हुई नहीं है। यहाँ पे दो रॉकेट लूज डाल के एक वैल्करी डाल देता हूँ ताकि ये वाला एरिया क्लियर हो जाए नीचे वाला, ठीक है हो जाएगा। फ्लिंगर भी कर रहा है भाई बढ़िया काम, अभी भी भाई तीनों की तीनों रेड स्पेल्स बचे भाई मेरे पास। वक्त जा चुका है, 1.5 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 50% की वैल्यू निकाल ली अपन ने, पूरा टेस्ला फार्म इधर से निकल चुका है। ओके, रेज लगा देता हूँ और किंग को इधर से ही उतारता हूँ भाई, होपफुली किंग ना यहाँ से अंदर चला जाए, बस बुड्ढा फॉलो ना करे किंग को। अबे 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 क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों मत, हद कर दी ना, कर दी हद भाई, अब क्या तो बोलूँ भाई मैं, है क्या ही बोलूँ। चल 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 बार्बेरियन किंग अंदर आ जा भाई जल्दी से, अब दूंगा भाई बार्बेरियन किंग की एबिलिटी, बढ़िया वैल्यू मिल गई। ओके, सुपर मिनियंस भी आ चुके हैं भाई, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बेस के अंदर, सीसी के ट्रुप्स आ चुके हैं बाहर। ओके, यहाँ पे रेज लगाता हूँ क्वीन पे, पॉइजन, यहाँ पे एक फ्रीज, भाई साहब
भाई ट्रुप स्वैग हो जाएंगे सारे, ट्रुप्स और रॉयल चैंपियन स्वैग होएगी क्या यहाँ पे? नहीं यार, रॉयल चैंपियन को डालना पड़ जाएगा भाई, अपने को मजबूरी में डालना पड़ा भाई, क्योंकि वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि भाई स्वैग वैग के चक्कर में अटैक फेल हो जाए। ये हो गया दोस्तों अपना 3-स्टार अटैक अगेन। और भाई इसी के साथ इस वाली मैच के अंदर भी हम लोगों ने 150 स्टार्स कर दिए भाई। हुआ क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, 150-150 ही मार रहे हम लोग, ठीक है, पर यार ड्रॉ हो रही है भाई बार बार। ओपोनेंट ने भाई हमसे ज़्यादा अटैक्स इस्तेमाल करे हैं और फिर भी 134 मारे हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई वो लोग हमारे बेसेस डाउन कर पाएंगे। आई थिंक ये वाली मैच हम लोग जीत जाएंगे और फाइनली हमारी स्ट्रीक जो 4 दिन से 66 पे अटकी पड़ी है वो 67 हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।